हो गए सब बिस्तर बिस्तर लगा लिया, पूरी मुर्दा का नाम वाइट देता है, वाइट चादर पूरे सबने वाइट चादर दी है, मैंने पूरा वाइट नहीं रहने दिया इसको, तो निकाल के रेड कर दिया, मैंने जो बोला ना मुर्दा घर वाली बात, इसलिए आज मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन बिहार। सब लोग दो दिन से आ नहीं पाया था, बहुत ज़्यादा बिजी था किसी काम से को लेके, सो आज बिहार जा रहा हूँ मैं और मम्मी जा रही हूँ बस। मम्मी भी रेडी होने में लगी, थोड़ी देर 6 बजे की हमारी ट्रेन है, अभी बज रहे हैं 4:30, हम निकलेंगे थोड़ी देर में, पापा यहीं पर रहेंगे अकेले, मैं और मम्मी जा रही हूँ, इंगेजमेंट है भैया की, बहन दीदी की इंगेजमेंट है, तो उसी में जा रही हूँ। छोड़ के चले गए, मैं वहीं बैठ चुके हैं, कैब आ चुकी है हमारे, इतनी भयंकर गर्मी हो गई है बाहर, क्या बताऊं, एक हफ्ते तक बिहार के ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, सामने साइड से एंट्री, चलते हैं, ये सामान है बस, एक बैग है, चलते हैं अंदर। ट्रेन की टाइमिंग तो है 6:30 की, थोड़ी डिले हो गई है, 7 बजे ट्रेन, अभी टाइम है तो प्लेटफॉर्म पे ही वेट करेंगे ट्रेन का। सुबह प्लेटफॉर्म पे तो पहुँच चुके हैं, हमारी ट्रेन का वेट करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म में 11 पैकेटेड, भाई वेट करना पड़ रहा है, सीट मिल गई मुझे नहीं मिली, देखते हैं कब तक आती है ट्रेन, डिले है अभी तो आधे घंटे 45 मिनट डिले है, अमृतसर से आ गया ना अभी, अम्बाला भी नहीं पहुँचे। मम्मी के थोड़ा चाय वगैरह लेके आते हैं, शाम का टाइम है, मम्मी को आते थे चाय पीने की, अब चाय देखते हैं, पीछे वाले में तो टाइम लगेगा, आगे एक और शॉप है वहीं से लेंगे। हम भी वेट करते हैं अच्छा खा के, तो वेट ही करना है तो अच्छे से करते हैं, ये हमारा नहीं है गाइस, हमारे तो बस एक चोली है, बस वेट करते करते 7 बज चुके हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आई है, भीड़ बढ़ गई है और कुछ है। देखते हैं कितना टाइम और वेट करना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई ट्रेन। कैसे सीट में जाती है देखो, लोग कैसे बैठे दिखाते हैं, सुबह टाइम हो चुका है 9:50 और हमारी ट्रेन आने का नाम ले रही है, ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा डिले हो गई है, बैठे बैठे बोर हो गया, थोड़ा घूमने आ गए प्लेटफॉर्म पे ही घूम गए, क्योंकि 4-5 घंटे से हम वेट कर रहे हैं, मतलब 4 घंटे से, 4 घंटे ट्रेन लेट हो गई है। नींद भी आने लगी अब तो, सो गाइस फाइनली आ चुकी है हमारी ट्रेन, इतना वेट करवाने के बाद लग नहीं रहा था आ जाएगी, सबके उम्मीद भरी चेहरे। वो ट्रेन नहीं थी हमारी, ये वाली ट्रेन थी हम सफर एक्सप्रेस, मुझे लगा लोकल ट्रेन आ गई थी वो नहीं, तो भाई सब जाके ट्रेन आई है, बैठ गए सीट पे, सामान वगैरह रख लिया,
बाकी सब तो ट्रेन में बंदे सो रहे हैं, खाना वाना खाते हैं। ऊपर की सीट है मेरी, अपर वाली मम्मी की भी, अपर वाली सामने वाली, खाना पीना खाते हैं उसके बाद फिर वो ये वाली सीट है मेरी, वो वाली मैंने मम्मी को दी थी, दोनों ऊपर की है। पूरी मुर्दा का खाली वाइट देता है, वाइट चादरी पूरे सबने वाइट चादरी पूरा पूरा मुर्दा घर बना रखा है। इसलिए मैंने मीम भी देखी थी कि इसको चादर के कलर चेंज करने चाहिए, क्योंकि रात में सोते हुए मुर्दा घर लगता है। गुड नाइट। मैंने पूरा वाइट नहीं रहने दिया इसको, चुन्नी डाल के रेड कर दिया। मैंने जो बोला ना मुर्दा घर वाली बात, इसलिए मॉर्निंग में करूँगा वीडियो के एंड। बिहार में जब एंटर हो जाएंगे तो दिखा के आपको, मतलब मॉर्निंग में नहीं यार, कल शाम में है डिस्पैच, नहीं अराइविंग टाइम मॉर्निंग, कल इवनिंग में कल ही करेंगे वीडियो के एंड। गुड नाइट। मस्त नींद आई और एक बैड न्यूज़ है, दस ट्रेन हो गई 10 घंटे लेट। उस लॉक को यहीं पे करता हूँ, बहुत ही बेकार सा ट्रेन है, सबसे घटिया ट्रेन मिल गई। और ट्रेन ट्रेन भी नहीं है इस ट्रेन में, बहुत हाल खराब होने वाली है। पहुँचते पहुँचते देखते किस टाइम तक पहुँचेंगे, लेकिन दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो डल लाइक बटन सब्सक्राइब में करता हूँ। दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, उसमें दिखा दूँगा। नेक्स्ट ब्लॉग देखने मत बोलना कैसे पहुँचूँगा, कैसे काम जाऊँगा, कहीं आऊँगा वगैरह दिखाऊँगा। तो बाय गाइस।